अगर आप गोप्रो कैमरा यूज़ कर रहे होंगे तो आप ज़रूर अब अपने कैमरे के लिए गोप्रो की बैटरी लेने की सोच रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गोप्रो की ओरिजिनल बैटरी। आज अपने इस वीडियो में हम इस बैटरी की अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे डिटेल्स। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गोप्रो हीरो 7 की बैटरी और चार्जर। आप इस बैटरी चार्जर को अपने गोप्रो हीरो 5, 6, 7 2018 और गोप्रो 8 के साथ यूज़ कर सकते हैं। इस पैकेज में हमें एक चार्जर मिलता है जिससे आप दो बैटरी चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे लगा के, और एक गोप्रो की बैटरी मिलती है। साथ ही एक टाइप सी यूएसबी केबल मिलता है जिसकी लेंथ 1.5 फिट के आसपास होगी। साथ ही आप इस चार्जर को अपने पावर बैंक से और किसी भी 3 एम्पियर 5 वोल्ट के अडेप्टर से चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको पावर बैंक से इस चार्जर को चार्ज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें बैटरी लगा देते हैं। ये देखिए, ये जो हमें बैटरी इसके साथ मिली है वो बैटरी है, हमने इसको इसके साथ लगा दिया। साथ ही हम अपनी गोप्रो की पुरानी बैटरी को इस पर लगा देते हैं। ये हमने इसको भी लगा दिया है, और अब हम इस पावर बैंक के मदद से टाइप सी यूएसबी केबल से चार्जर को पावर देंगे। और अब हमने इस चार्जर को लगा दिया है, और चार्जर जैसे लगाया है ये आप देख सकते हैं, दोनों बैटरी फुल चार्ज होने की वजह से ग्रीन लाइट जल रही है। अगर बैटरी आपकी चार्ज नहीं है तो चार्जिंग के वक्त येलो लाइट जलेगी, और जैसे ही चार्जिंग फुल हो जाएगी तो ग्रीन लाइट जल जाएगी। साथ ही जैसे ही आप इसमें से बैटरी निकालेंगे, ये देखिए लाइट ऑफ हो गई है, और जैसे ही आप बैटरी निकाल देंगे तो ये देखिए लाइट ऑफ हो गई है। तो इस तरह दोस्तों ये काफ़ी अच्छा चार्जर है। अगर आपके पास गोप्रो है और आप चार्जर लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप गोप्रो का ओरिजिनल चार्जर लें, साथ ही गोप्रो की ओरिजिनल बैटरी लें, क्योंकि थर्ड पार्टी बैटरीज अगर आपके गोप्रो को ख़राब कर देंगी तो वो गारंटी में कवर नहीं होगा। इसलिए हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप गोप्रो की ओरिजिनल बैटरी को ही परचेस करें।